नाइस, अपनी समझ से बाहर है भाई। तारीफ करने में क्या जाता, बच्चों की मस्ती, फुल मस्ती इसको कहते हैं। तो भाई कनाडा में जब भी कोई काम करता है ना, तो जैसे भाई ने पहन रखा है ना, इस तरह के वर्क वियर पहनने बहुत जरूरी होते हैं। मतलब स्पेशल टाइप के शूज आते हैं जो कि लगभग 3-4 हज़ार रुपए के आते हैं, और वो उनके ना आगे के जो आपके पंजे होते हैं, उंगलियां होती हैं, शूज इस तरह के होते हैं, उनमें वो सख्त होते हैं, आगे से ठोस होते हैं। और इसके साथ साथ इनको इस तरह की जैकेट्स पहननी होती है, ये भी लगभग 30-50 डॉलर के अंदर अंदर आ जाता है सब कुछ। ये जैकेट जो है, अगर पूरी सर्दियों वाली पहनी होती है तो वो 100-150 डॉलर के आसपास की आती है। यूट्यूब की कमाई से भाई 300 रुपए का टिकट ले लिया है, अगर जीत गया तो 300 करोड़ आएंगे, फिर बताऊंगा किसी दिन वीडियो में। मस्ट शो माय फ्रेंड्स दैट आई परचेज दिस वन, सो आई विल टेक मनी फ्रॉम देम, नॉट फ्रॉम मी। तो देखो भाई, वहाँ पे ना बस के अंदर ना कुछ बच्चे अपनी साइकिल रखने लग रहे हैं आगे, तो ऐसे ना यहाँ पे 2 साइकिल आगे रख सकते हैं बस के आगे, और अगर 2 से ज़्यादा कोई साइकिल ले रहा है, 3 ले रहे हैं, फिर नहीं रख पाएंगे, सिर्फ 2 ही रख पाएंगे आगे। तो किसी भी बस में ना आप बस चेंज करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास पास है तो आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी, जो आपका किराया है उसी में ही आप अपनी साइकिल भी ले जा सकते हो, ऐसा सिस्टम होता है यहाँ का। तो भाई मेरे पीछे जो बंदा है ना, उसको पूरा नशा हो रहा है बात कर रहा है दीवारों से, ये है सिस्टम। तो आपको जो सामने लाइन दिखाई दे रही है वो है इस फेरी की, ये फेरी जाती है भाई, ये तो है हेलीपैक्स, मैं भी हेलीपैक्स में खड़ा हूँ, और वो जो सामने आपको सिटी दिखाई दे रही है दूर, तो ये जो फेरी है, ये फेरी लोगों को लेकर के जाने वाली है वहाँ पर। तो यार मैं इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, पर मैं अभी तक आप लोगों को ना वहाँ पर नहीं लेके गया फेरी से। आज मैंने फ़ोन किया था अपने दोस्तों को कि भाई अगर कोई सा फ्री है तो हम चलते हैं वहाँ पे, बट एज यूजुअल कनाडा में कभी भी कोई भी फ्री नहीं होता है, सब बिजी। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखो सामने वो पुलिस वाले हैं यहाँ के, ठीक है। तो जो पुलिस वाले होते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा एरिया है, तो वो बार बार देखो उनके पास ना एक ऐसा व्हीकल होता है, उस पर घूमते रहते हैं वो लगातार, तो उनको पैदल नहीं चलना पड़ता। तो भाई आज मेरा कोई भी दोस्त फ्री नहीं है, और मैं आ गया हूँ यहाँ पर वाटर पार्क पे, बच्चों की मस्ती, फुल मस्ती इसको कहते हैं मस्ती। तो भाई ये है वो स्कूटर जिस पे यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो ध्यान रखते हैं, घूमने जाते हैं कहीं कहीं दूर दूर तक। भाई मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ जाने वाला हूँ, सामने वहाँ से एक आवाज़ आ रही है बहुत ही ख़राब अजीब, तो ये देखना है अभी, तो वहाँ जाके ये देखना है कि क्या चल रहा है भाई, ये कोई म्यूजिक चला रखा है, कोई टेप रिकॉर्डर में चला रखा है, कोई बंदा गा रहा है, इतना ख़तरनाक हो क्या रहा है ये। समुद्री लुटेरे जैक स्पायरो से मिलने जाएंगे वहाँ पे। तो भाई मेरे पीछे जो है ना एक भाई खड़े होंगे, वो जो है ना $10 में इसका इस शिप का पूरा टूर दे रहे हैं, मतलब पूरा $10 के अंदर जो है ना आपको गाइड भी बताएगा सब कुछ, और आप पूरा 1 घंटा आधे घंटे जो है ना आराम से हिस्ट्री जान सकते हैं, जो कहीं भी जाना हो इसको, किसी भी कोने में आपको, पर ये लेके कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ अंदर ही अंदर आपको बताएंगे पूरी हिस्ट्री सब कुछ जो भी है। तो आज तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि ये यहाँ पर है सेप्टेम्बर तक, तो सेप्टेम्बर में तो बहुत टाइम है, मैं बिल्कुल पास में रहता हूँ, मुझे 5 ही मिनट लगते हैं यहाँ पर आने में। तो मैं तो आज बिल्कुल फ्री था, इसलिए मैंने सोचा चलो 5-7 मिनट अपना वेस्ट करके आते हैं, मतलब आधा घंटा, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो ऐसे मौसम में तो यार मुझे मज़ा आ जाता है। लेकिन बारिश होगी, और अब थोड़ी सी बारिश होगी ख़त्म कम, तो फिर किसी दिन चलते हैं उसमें। तो वहाँ से आ चुके हैं यहाँ, और यहाँ पर है कुछ ऐसा सीन। तो भाई लोगों का चल रहा है पूरा फुल फन, लेकिन मुझे, मैंने जैसे उधर से कहा था आपको, अब देखो उस साइड में रह गया वो, सॉरी। तो भाई ये है पुलिस अधिकारी जो मैंने कहा था तुम्हें, तो नाइस, ये सही है यार, है ना, इनको चलना नहीं पड़ता, मैं ये तैयारी के पैर टूट गए। अरे जैक स्पैरो के पास चलना है, मैं यहाँ से कहाँ से आवाज़ आ रही है। अरे भाई ये क्या है, मुझे लग रहा था कोई स्पीकर बजा रखा है इन्होंने सेम ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी शर्म कर लो दोस्तों। और ये चेयर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि इन पर बैठ के जो है फुल मस्ती की जा सकती है, लेकिन आज मुझे इस भाई के म्यूजिक ने खींच लिया कि चलो देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो भाई ये तो प्रॉपरली म्यूजिक बजा के,
अब ये मेरी आवाज़ ही नहीं जाने देगा आपके पास, खतरनाक। अपनी समझ से बाहर है, तारीफ, वेरी नाइस। ये सब अपनी समझ से बाहर है भाई, तारीफ करने में क्या जाता है, नथिंग। थोड़े से आगे चल के बैठते हैं, आज वीडियो बनानी थी दूसरी, लेकिन आज बनता जा रहा है कुछ और ही सीन, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ पर देखेंगे और दिखाएंगे, जो दिख रहा है वो दिखाएंगे, और किसी अकेली सी कुर्सी को पकड़ के बैठ जाएंगे, और फिर अगर टाइम मिला तो फिर जिम जाएंगे। वो बहुत शानदार जगह है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर। मेरा मन था कि मैं वहीं पे जाके बैठूँ, लेकिन वहाँ पे हो रही है भीड़, तो हम यहीं के कुर्सी पे कब्जा कर लेंगे और यहीं बैठ जाएंगे। आप लोगों को इसकी खास बात बतानी भूल गया मैं, आने दो इसको पास, फिर बताता हूँ। ये पानी और ज़मीन दोनों पे चलती है, जब ज़मीन पे चलती है तो पहिए होते हैं, उससे चलती है। देखो, अरे लड़की चला रही है भाई इसको, और उसने पहले तरफ मुंह कर लिया, कभी उसको मैं देख लूँ, हम ना देखते किसी को भी, हम तो करते हैं। मज़ा आ गया भाई देख के, ये होता है एकदम मज़ेदार। तो ये पानी में भी चलती है, उसमें भी चलती है, इसका कितना टिकट होता है अपने को नहीं पता। कैसे हिल रहा है, प्रॉपरली हिल रहा है सारा। Hey, baby, where are you?